ध्यान दो आप लोग। देखिए कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मैंने पढ़ाया था आप लोग को, इसके आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा पढ़ाई रखा था इसमें। देखिए आप लोग शांति बनाए रखिए। अब कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पेज नंबर उस पे आ जाएगा आप लोग, हाँ जितने पर भी। तो आखिर इन जंगलों को और जंगली जीव जंतुओं को बचाया कैसे जाए, ठीक है। वी शुड कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, टू प्रिवेंट एंडेंजर्ड स्पीसीज फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट एंड टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर। अब देखो यहाँ दो तीन वर्ड्स हैं, उनको समझने की कोशिश करिए। बायोडाइवर्सिटी मैंने आपको बता दिया था, इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट, ये दो वर्ड है। इंडेंजर्ड का मतलब वो है जो खतरे में है, मतलब कि उनका शिकार बहुत ज्यादा हो रहा है, उनकी संख्या तेजी से गिरती जा रही है, जिस कारण से अब उनकी समाप्ति का खतरा है। जैसे अगर आप टाइगर को लो तो वो भी इंडेंजर्ड है। आप कुछ और भी स्पीसीज को ले लो इंडिया में, जैसे कि क्या कहते हैं, गिर फॉरेस्ट तो इंडेंजर्ड नहीं है, और बहुत सारे बर्ड्स भी हैं, इसमें आ जाएगा, लिस्ट मिल जाएगा। और एक्सटिंक्ट का मतलब है, जैसे कि अभी चिकी बोल रहा था हमको डोडो के बारे में। डोडो एक, जी आप कहाँ हो, बहुत उधर कुछ बताने की जरूरत नहीं है, पॉइंट्स जो 7-8 पॉइंट्स है, तो सिंपल सी बात है। अच्छा पेज नंबर पूछ रहे हो, 112 पे है बेटा जी, बेटे ब्रॉड लाइन पे आइए, विसुट से। तो डोडो एक बर्ड था, जो आपको मैं बता दो इंडियन ओशियन में जो सबसे बड़ा आइलैंड है जिसका नाम मेडागास्कर है, ठीक है। मेडागास्कर अफ्रीका के बगल में पड़ता है, अफ्रीका का मैप देखोगे तो आपको पता चलेगा। वहां पर अभी भी वो बहुत ज्यादा पुअर मतलब माना जाता है आइलैंड, वहां एक कंट्री ही मान लीजिए वहां का, अफ्रीका का एक आइलैंड कंट्री भी है, वो बहुत बड़ा आइलैंड है। वहां पे डोडो बर्ड पाई जाती थी, बड़ी थी बर्ड, आज के डेट में वो बर्ड एक्सटिंक्ट है, मतलब विलुप्त, एक भी बर्ड अब अर्थ पर नहीं है। साइंटिस्ट लोग, मैं बता रहा हूँ उसी के बारे में बता रहा हूँ, जैसे अभी आपको पता है कि मैमथ के बारे में मैंने एक दिन आप लोगों को बताया था, हाँ उसी के बारे में बताया, आ जाओ क्वाइट वेल। अब देखो मैमथ का जहां तक मैंने आपको बताया था कि रसिया में जो खुदाई हो रही थी या जितना भी आइस में जमा हुआ जो जगह था, वहां पे मैमथ के जो टस्क होते हैं, मतलब कि जो दांत होते हैं, हाथी दांत को टस्क कहा जाता है वो, और उनकी बोन्स पूरी, वो सब कुछ मिली है। उसमें से डीएनए का सैंपल लेकर के, ठीक है, डीएनए का सैंपल लेकर के फिर से रीजेनरेट करके वो मैमथ हो सकता है कि क्रिएट किया जा सकता है क्लोनिंग करके, समझ रहे हैं ना। साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, बहुत ही साइंटिफिक, खर्च भी आएगा बहुत लंबा चौड़ा का। इसलिए कि मान लो जो जानवर खत्म हो गया, हम उसको फिर से धरती पे ले आए तो कितनी बड़ी बात है। अब डोडो जो बर्ड है वो खत्म हो चुकी है, साइंटिस्ट लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोई सा ऐसा उसका सिंबल मिले, कहीं से कुछ डीएनए सैंपल मिले, कुछ भी ऐसा मिले तो लोग फिर से कर सकते हैं। लेकिन डोडो अब है नहीं, बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुकी है। और ये माना जा रहा है, अभी आप जब से जनरल पढ़ेंगे, मैगजीन पढ़ोगे, न्यूज पेपर, बेटे आप जा सकती हो भाई, आप लोग जाइए, ठीक है। तो जितने भी जानवर हैं अभी फॉरेस्ट में, एनिमल्स हो या बर्ड्स हो, वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। इतना तेजी से शिकार किया जा रहा है उनका, इतना सरकार ने प्रोटेक्शन के बहुत नियम कानून बना भी रखे, लेकिन फिर भी वो एक्सटिंक्ट तेजी से हो रहे हैं। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त होना, बिल्कुल एक भी अब जानवर नहीं बचेगा, सारे के सारे खत्म, इस तरह से। अभी टाइगर की भी संख्या बहुत कम हो गई थी, ठीक है ना, लेकिन सरकार के बहुत ज्यादा प्रयासों के बाद टाइगर की संख्या अभी इंडिया में 1500 के करीब है, पूरे इंडिया की बात करें तो 1500 के करीब है।
और मैं आपको बता दूं कि जो टाइगर है रशिया में, चाइना में, एशिया में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ, नहीं जीता है वहां, नेचुरली नहीं पाया जाता वहां पर भी टाइगर है, लॉयन में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लॉयन तो बहुत हजारों में होंगे, लाखों में होंगे, क्योंकि पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ही लॉयन से भरा पड़ा होगा, तो लॉयन की कोई दिक्कत, वहां जंगलों में बहुत ज्यादा लॉयंस होते हैं ना, लॉयन की संख्या कम नहीं। अभी मैं आपको बताऊं, ये इंडिया में जो आपको ये टाइगर दिखता है ना, इसी टाइप का एक टाइगर टाइप का, डॉग टाइप का एक एनिमल था बहुत दिनों पहले, उसका जिस तरह मैमथ के जो स्केलेटन मिले हैं, पूरा जो बॉडी का स्ट्रक्चर मिला, उसी तरह वो मिला था ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया से पहले ऊपर है ना पापुआ न्यू गिनी कनेक्टेड है, मैंने अब हट गई है, लाखों साल में क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक के चलते उनकी जो लिंक है वो दूर हो गए, नहीं तो सब कनेक्ट था पहले। अभी मैंने आपको मैप बना के दिखाया हुआ कभी, तो अलास्का यूएसए का और एशिया का जो पूरा रशिया वाला हिस्सा, दोनों एक दूसरे कनेक्टेड थे, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में एकदम एक जैसे दूसरे आ सकते थे। आपको मैं बता दूं, अब नहीं आ सकते ना, डिस्टेंस हो गया, समुद्र है उसके बीच में, आप उससे शिप से जा सकते हो। नॉर्थ अमेरिका में जितने भी टाइप के एनिमल्स आपको दिख रहे हैं, या जो लोग पर्सन की बात करें, इंसान नॉर्थ अमेरिका में और साउथ अमेरिका में एशिया से ही गए थे, ठीक है, एशिया में ही पहले लाइफ आई, मतलब अफ्रीका में सबसे पहले आए थे, उसके बाद एशिया में, तो एशिया से ही नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में लोग, समझ रहे हैं ना, इसका पूरा हैवी हिस्ट्री है और जो भी है, तो एशिया में नहीं, नहीं बेटे, तो अलग अलग कॉन्टिनेंट, देयर वर सेवन कॉन्टिनेंट्स इन आवर अर्थ, एशिया के अलावा है अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका अलग कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका अलग कॉन्टिनेंट है ना। चलिए देखते हैं, देखो आखिर कौन कौन से उपाय किए गए हैं। अब सोचिए कि जानवर अभी भी जंगलों में है, जंगल अभी भी टिका हुआ है, आपको लग रहा है कोई कानून नहीं रहता, कुछ उपाय नहीं किया जाता तो बच जाता, ये तो सब कुछ खत्म हो जाता, तो क्या आखिर ऐसा था, सरकार के कौन से ऐसे प्रयास थे जिसके कारण ये पॉसिबल हो सका। तुम मुझसे चले जाओ, द अनऑथराइज्ड फेलिंग और कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज फॉर टिम्बर ट्रेड एंड फायरवुड शुड बी स्टॉप इमीडिएटली, दिस इज बिकॉज डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय द नेचुरल। हाँ, तो उसी से टाइगर भी हुआ, टाइगर उसी के जेनेटिक्स से, मतलब कि उसी का डीएनए से वो टाइगर भी बना, मतलब कि और भी मॉडिफाई होकर के टाइगर बना, तो टाइगर की तरह ही होता था, टाइगर और डॉग के बीच का वो एक था, जिसे भेड़िया होता है ना उल्फ, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, कुछ आपको पता है ना साइंस में वो कुछ प्री हिस्टोरिक नेम्स भी वैसे ही होते हैं, लेंदी से याद नहीं आ रहा, नहीं अलाउ नहीं है ना आपका, आप मजाक में ले रहे हो, अभी मैं आपको बताऊं, डीएनए इंजीनियरिंग इसी का नाम है कि किसी का डीएनए को लेके किसी के डीएनए के साथ मिक्स करना, अभी अलाउ नहीं है ना, हाँ प्लांट्स के लिए है, मैं बता रहा हूँ इसलिए अलाउ नहीं है, क्या हो गया तेरे, अलाउ इसलिए नहीं है क्योंकि आप है ना, हो सकता है कि हल्के सुपरमैन बना दो, ये मतलब साइंटिफिकली अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो पॉसिबल है, थ्योरी के हिसाब से पॉसिबल है, अगर आप डीएनए मिक्सअप कर दो तो किसी ऐसे दानव या एविल को भी बना सकते हो जो कि हमारे क्या कहते हैं मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए खतरनाक हो, आप दो दो एनिमल का डीएनए लेके कुछ चीज बनाए, हो सकता है ऐसा चीज बन जाए जो कि ह्यूमन के बियॉन्ड आवर कंट्रोल हो जाए, तो फिर हमें ह्यूमैनिटी पे खतरा हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा समाज पे नुकसान हो जाएगा, इस पर रोक लगाया गया है, बिल्कुल आप इंसानों पे और एनिमल्स पे इस तरह का कोई भी डीएनए इंजीनियरिंग कर ही नहीं सकते, चोरी से कर देना, फिल्मों में तो आता ही ना चोरी से, तो उसमें थोड़ी कुछ रियल लाइफ में वो हाल का भी जो स्काई वो है, अब समझ ही गए अब ना, वही बात तुम्हें कर रहा हूं, ये पॉसिबल है, समझ रहे हो ना, पॉसिबल है, देखिए सर डीएनए मतलब मिक्स हो जाए तो बेटे डीएनए मिक्स नहीं हो जाता, डीएनए मिक्स होने वाली चीज नहीं होती, डीएनए जो होता है प्रोटीन की बनी होती है,
ठीक है। अब डिपेंड ये हाँ इसका प्रोटीन निकाल लिया जाए, जैसे मैं बता रहा हूँ हमारा डीएनए भरा हुआ होता है, जितने भी वो खाके होते हैं जितने भी कमरे हैं भरे हुए फील्ड है प्रोटीन से। अगर आपको कोई डीएनए यहाँ मिक्स करना है इसका मतलब एक डीएनए का या उतने हिस्से खाली करने पड़ेंगे तब वो आकर के यहाँ पे फिक्स होगा, बात समझ रहे हैं ना, किसी दूसरे का डीएनए नहीं। हाँ तब होगा जी, इसके प्रोटीन को आप इस बॉक्स को क्या कहते हैं इम्प्लीट करो, हाँ तब जा करके हो सकता है इस तरह से। और डिपेंड ये करता, और ऐसा नहीं है कि आपने डाल दिया हो गया, डिपेंड ये करता जी, एक सेकंड मेरे को बोलने दो, डिपेंड हाँ डिपेंड ये करता है कि आपने अगर डीएनए वहां पर ट्रांसप्लांट किया या भेजा उसको प्रोटीन दिया है तो उसका बॉडी उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं, उसको क्या कहते हैं सह सकता है कि नहीं, ड्यूरेबिलिटी है कि नहीं उसके लिए भी तो डिपेंड करता है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए सबसे पहले चूहों या जानवरों पे इसको करके देखा जाता है। बोलो उन पर कुछ भी कर सकते हैं, किया जा चुका है, हाँ बिल्कुल किया जाता है, लेकिन अब बिल्कुल बैन है, कोई भी दवा बनती है ना, किसी भी तरह की दवा बनती है तो उस पर रोक टोक लगाई जाती है। हाँ, हाँ इंसानों पे लेकिन नहीं होता कभी भी, मानते हैं मेरी बात तो सुनो ना। हाँ बोलो,